11वीं सेंचुरी में यूरोप के महान वाइकिंग योद्धा रैग्नर लॉथब्रूक के कारनामे ने अब पूरी दुनिया में खंडित बन चुका है। अगले 100 साल में वाइकिंग ने अपने उत्तर के देशों को छोड़ दिया और यूरोप के कई हिस्सों में बस गए, जिसमें से कई इंग्लैंड भी थे। लेकिन जैसे जैसे बस्तियों की समृद्धि होती गई, ये अपने सैक्सन पड़ोसी के लिए एक खतरा बनने लगी और इंग्लैंड के किंग एथलेड को वाइकिंग समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उकसाया गया। ओपनिंग सीन में लंदन के नजदीक वाइकिंग सेटलमेंट को देखते हैं, जहां कुछ वाइकिंग सेट ब्राइजेस डे मना रहे होते हैं। वहां पर हेराल्ड और उसका बड़ा भाई होता है। हेराल्ड उनका कबीला छोड़कर जाने वाला है। उनके भाई ने उसे वचन दिया है कि अगला राजा वही बनेगा। तभी राजा की तरफ से एक पैगाम आता है। वो लोग जाते हैं राजा के पास अपनी पार्टी को छोड़कर। हेराल्ड वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जाते समय उसे कुछ दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है वो हमें आगे पता चलेगा। ये लोग जाते हैं लंदन में, उनकी सेना को कहा जाता है स्टेन। वो राजा एथलेट के पास जाते हैं। वो यूरोप का सबसे अमीर राजा है। वो उन लोगों को खाने के लिए पूछता है। जब वो लोग खा रहे होते हैं, तभी वो राजा उन्हें मरवा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे राज्य में वाइकिंग रहे। उनको इसीलिए बुलाया था ताकि अगर वो गांव में रहेंगे तो उनका मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्टेन लोग कुछ नहीं कर पाते। राजा अपने कुछ सैनिकों को उन गांव में भेज देता है वाइकिंग को मारने के लिए। राजा के सिपाही उस गांव पर हमला करके पूरे गांव वालों को मार देते हैं। यही देख रहा होता है हेराल्ड। वो नाव लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अगर वो आएगा तो वो उसे भी मार देंगे। हेराल्ड वहां से चला जाता है। सेंट ब्राइजेस डे मैसिकर ने इंग्लैंड के किनारे के सभी वाइकिंग की बस्तियों को मिटा दिया, लेकिन यह उत्तर में नजरअंदाज नहीं किया गया, जहाँ डेनमार्क के किंग कनूट ने सभी वाइकिंग को कैटिगट में इकट्ठा होना और एक बदले की सेना बनाने का हुक्म दिया। केटीगट के नजदीक नॉर्थ सी में देखते हैं, जहां एक महान योद्धा लीफ एरिक्सन को देखते हैं, जो उसके पिता बहुत ही ताकतवर थे। उसके पिता का नाम था एरिक, इसलिए उसका टाइटल एरिक्सन पड़ा। उसकी बहन फ्राइडेस भी होती है। वो लोग ग्रीनलैंड से आ रहे होते हैं। वो 5 हफ्तों से नाव चला रहे होते हैं। वो कहीं रुके भी नहीं। लीफ उन लोगों को सुनामी से बचाते हुए केटीगट में लेकर पहुंच जाता है। वो लोग केटीगट में किस लिए जा रहे हो वो हमें आगे पता चलेगा। उस तूफान के कारण बहुत सी नावें तबाह हुई है और बहुत से लोग मारे गए। लीफ अपनी नाव कैटीगट में लेकर जाता है। सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं कि इतनी छोटी नाव तूफान से कैसे बच गई। लीफ अपने साथियों के साथ किसी को ढूंढने के लिए इधर हेराल्ड उस नाव के पास जाता है। फ्रेडिस से पूछताछ करता है कि वो कहाँ से आए हैं। वो भी शौक हो जाता है। हेराल्ड फ्रेडिस को लेकर जाता है। इधर ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ सभी वाइकिंग वाइन पी रहे होते हैं। वाइकिंग में 2 धर्म के लोग होते हैं, एक होता है पैगन और दूसरा ईसाई। जहाँ हमारे यहाँ जनरल ओबीसी और एसटी है, जनरल से एसटी छोटा होता है, इसी तरह ईसाई और पैगन। ईसाई उच्च होता है लेकिन पैगन नीच होता है। कोई राजा बनेगा तो वो ईसाई का ही बनेगा, पैगन का नहीं बनेगा। इसीलिए ईसाई पैगन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लीफ पैगन होता है, वो ईसाई को ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर 3 लोग से मिलता है जो ईसाई होते हैं। सभी वाइकिंग बदला लेने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर एक योद्धा अल्फ्रू आता है और उससे उसके कपड़े को मांगता है। लीफ का कपड़ा बहुत अच्छा लगता है उसे। वो उसकी कीमत देने के लिए तैयार होता है, लेकिन लीफ मना कर देता है। एल्फ धमकी देकर लेने की कोशिश करता है, फिर भी लीफ मना कर देता है। एल्फ्रू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीफ ताकतवर होता है, वो उसे घायल कर देता है। कुछ योद्धा आते हैं जो मना करते हैं कि यहाँ फाइट करना अलाउ नहीं है। लीफ को वहाँ से उस आदमी के बारे में पता चलता है। इधर हेराल्ड और फ्रेडिस लव मेकिंग कर रहे होते हैं। वो लोग कैटीगट किस लिए आए होते हैं मैं बताता हूँ। जब फ्रेडिस छोटी थी तो एक आदमी उसके घर में आया। उसके घर में कोई नहीं था, उसका फायदा उठाया और बेहोश हो गई वो। जब उसकी आँख खुली तो वो आदमी उसको कई बार रेप कर चुका था। अब उसका काम पूरा हो गया तो उसे पैगन कहकर और उसके सीने पर निशान बना दिया। वो उसे ढूंढने के लिए आई होती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन फ्रेडिस की स्टोरी तो खतरनाक थी भाई। सभी ग्रीनलैंडर इकट्ठा होते हैं। इधर से कोई नाव आ रही होती है, उसमें से 2 लोग आते हैं। एक होता है ओलाफ और दूसरा होता है गुन्नार। वो दोनों हेराल्ड के भाई होते हैं। गुन्नार ने ही फ्रेडिस का रेप किया था। वो देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन लीफ मना कर देता है। हेराल्ड उसे लेकर जाता है।
ये लोग उसका पीछा करते हैं। जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी सेना होती है जो उनका मुकाबला करना मुश्किल क्या नामुमकिन है। वो लोग सही मौके की तलाश कर रहे होते हैं। हेराल्ड उनको ले जाता है डेनमार्क के किंग कनूट के पास। कनूट ही है जो उसकी इतनी बड़ी सेना है। वो आए होते हैं इंग्लैंड पर कब्जा करने के लिए। ओलाफ का मानना है कि वो पेगन के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन राजा कनूट कहते हैं कि यही ऑप्शन है क्योंकि वाइकिंग धर्म को नहीं देखते। नहीं तो आप जा सकते हैं, आपका यहाँ पर आना कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद ग्लैंडर एक टाबू पर जाकर आसन लेते हैं। उनमें से एक मैन कहता है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है, उनकी सेना बहुत ज्यादा है। लेकिन फ्रेडी समझाती है कि हम बदला जरूर लेंगे चाहे मर क्यों ना जाए, लेकिन वो मैन मना करता है। फ्रेडिस गुस्सा हो जाती है। उसका भाई समझाता है कि हम बदला जरूर लेंगे। लीफ जाता है उसके कैंट में, वहां पर सभी लोग हथियार बना रहे होते हैं। तभी उसको एक आदमी पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम उसके पास गए तो वो तुम्हें मार देंगे। उसे कुछ कंबल देता है। सभी लोग जाते हैं क्योंकि वहां पर मीटिंग होता है। राजा कनूट कहता है कि हमें इंग्लैंड पर जीत हासिल करनी होगी। सभी लोग सहमति होते हैं। एक पैगन आकर कहता है कि हम इस ईसाई लोगों के साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि इन लोगों ने मेरे परिवार को मारा होता है। इसी बात पर ईसाई और पैगन के बीच फाइट हो जाती है। हेराल्ड आता है, उन लोगों को समझाता है। सभी लोग मान जाते हैं, एक साथ युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। दूर से फ्रेडिस ये सब देख रही होती है। रात होने पर वो सो जाती है। जब सोकर उठती है तभी वहाँ पर रानी जाल हैकोंग आती है और उसे बातें करती है और कहती है कि यहाँ पर सेफ नहीं, कैटेगट में सेफ हो, वहाँ पर जाओ। वो उसको कुछ नहीं करती क्योंकि वो फ्रेडिस के पिता एरिक की दोस्त होती है। वो रानी वहाँ से चली जाती है। फ्रेडिस अपने दोस्तों के पास जाती है और कहती है कि हमें कैडिकट जाना होगा। लिफ्ट जा रहा होता है तभी उसको एक आदमी बेगन मिलता है जो उसको मारने के लिए कहता है क्योंकि लिफ्ट के पिता एरिक ने वेगन के भाई स्वेन को मारा, इसीलिए वो बदला लेने के लिए वो लोग उसे मारते हैं। उन सब के बीच फाइट होती है। लीप सभी को मारकर घायल कर देता है। उसके बाद वहां से वो नदी के किनारे जाता है जहां पर हेराल्ड आता है और कहता है कि तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा लड़ते हो। तुम्हारी बहन कहती है कि तुम अच्छा नाव चलाते हो, तुम हमारे लिए काम आ सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। वो वहां से चला जाता है। इधर राजा कनूट उस रानी के राज्य में रुकने और बंदरगाह को यूज करने के लिए कहता है और साथ में नियमों को पालन करेगा। वो रानी मान जाती है। उसके बाद वो लोग दावत करते हैं। इधर ग्रीनलैंडर को अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं, वो उन्हें मारकर अंदर जाते हैं। लीफ उन लोगों के नज़दीक जा रहा होता है तभी हेराल्ड आता है और कहता है कि तुम किसी को मारने की कोशिश मत करना। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं मार रहा हूँ, कोई और ही मार रहा है। तभी फ्रेडी जाकर उस आदमी को नाइफ की मदद से मारती है और उसके सीने पर क्रॉस का निशान बनाती है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और फ्रेडिस को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर जाते हैं। ओलाफ उसे मारने की कोशिश करता है तभी रानी आकर रोक लेती है और कहती है कि मैं न्याय करूंगी क्योंकि ये मेरा राज्य है। फ्रेडिस अपनी सच्चाई बताती है और निशान को दिखलाती है। हेराल्ड उसकी मदद करता है। ओलाफ कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन रानी कहती है कि उसका फैसला कल होगा। उन दोनों को पकड़कर कैद कर लिया जाता है। उसके बाद वो लोग एक तहखाने में कैद होते हैं जहां पर लीफ कहता है कि हमारा बचना मुश्किल है क्योंकि रानी अभी मुसीबत में है। अगर वो हम लोगों को छोड़ दी तो वो ईसाई उस पर हमला कर देंगे जिससे उनके कई सिपाही मारे जाएंगे। इसमें यही भलाई है कि वो हमें मरवा दे जिससे सब कुछ शांत हो जाएगा। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आज रात वो लोग जिंदा हैं और कल सुबह वो मारे जाएंगे। अगली सुबह उसे लेकर जाया जाता है कैटेगट के रानी के पास। रानी उसको सबूत दिखलाने के लिए कहती है क्योंकि ये बात सच है या झूठ। ओलाफ का मानना है कि वो निशान किसी और ने बनाए होंगे, फ्रेडिस के पास वही है। तभी ओलाफ आता है और कहता है कि इस लड़की का सर धर से अलग कर दिया जाए क्योंकि गुनार बहुत ही अच्छा योद्धा था। तभी हेराल्ड आता है और कहता है कि मुझे पता है कि गुनार की हमें कमी हो रही है, क्यों ना हम उसके भाई को ले लें क्योंकि वो खूंखार राजा एरिक का बेटा और है। वो बहुत ही खतरनाक लड़ता है, नाव भी अच्छी चलाता है। राजा कनूट मान जाता है, उसको अपनी सेना में शामिल करने के लिए कहता है। रानी उसको कनूट की सेना में शामिल होने को कहती है और उसकी बहन को अपने साथ रख लेती है। उसके बाद इंग्लैंड में देखते हैं जहां राजा वहां के आदमियों के लिए गिरजाघर बनवाया होता है। वो वहां से जाता है, उसे पता चलता है कि वाइकिंग उन पर हमला करेंगे। वो गुस्सा हो जाता है। इधर ये लोग नाव में जा रहे होते हैं। हेराल्ड लीफ को एक नाव दिखलाता है जो उसके पिता का होती है।
उसकी इच्छा है राजा की नाव को लेना। वो कहता है कि मैं एक दिन राजा बनकर उस नाव को जरूर लूंगा। उसके बाद वो फ्रेडिस के पास जाता है और कहता है कि तुम अपने भाई से मिल लो। वो जाती है लीव से मिलने और अपने साथियों से मिलती है। उसको क्या पता कि वो आखिरी बार मिल रही है। वो हेराल्ड को एक लॉकेट देती है जो युद्ध में उसकी रक्षा करेगा। वो वहां से चली जाती है। तभी वो लोग नाव में जाते हैं। वहां पर एक आदमी जाल ग्रोम आता है, लीव से मिलता है और कहता है कि मैं इन ईसाई के साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि ये मेरे दुश्मन है। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। उसको उस नाव में बैठना पड़ता है। लीव सभी से उसके हथियार को ले लेता है और उसको एक बॉक्स में बंद कर देता है। लेकिन उस आदमी के पास दूसरा हथियार होता है जो छुपाया होता है। सभी नाव वहां से निकल जाती है। उसके बाद लंदन में देखते हैं जहां एक पुल ज्वाइन करता है लंदन को। वैसे तो ये मजबूत पुल है लेकिन उतना भी मजबूत नहीं है। महल में देखते हैं जहां रानी एमा को पता चलता है कि युद्ध को लेकर राजा की तबीयत खराब हो रही होती है। वो रानी राजा के पास जाती है और बातें करती है। वहां पर उसका सौतेला लड़का एडमन होता है। वो राजा कहते हैं कि तुम उन्हें सोना दे देना क्योंकि वो सोने के भूखे हैं। लेकिन एमा कहती है कि मैं उनसे युद्ध करूं। एडमन को मर्सिया भेजना चाहती है एड्रिक एस्टोयाना से मदद मांगने के लिए वो अपनी सेना भेज सके। वो वहां से चली जाती है। हम राज्य में देखते हैं जहां युद्ध की तैयारी हो रही होती है। वहां पर एक मैन आता है जो एडवाइजर होता है। उसका नाम होता है एरल गोडविन। रानी उससे कहती है कि तुम जाओ राजकुमार को लेकर मर्सिया। गोडविन मान जाता है, राजकुमार को एडमिन को लेकर जाता है। रानी उसे समझाती है कि क्या बोलना है। वो अपने राज्य से निकल जाते हैं। उसके बाद वाइकिंग को देखते हैं, उनकी सेना बहुत बड़ी है। हेराल्ड दूसरे नाव में चला जाता है। लंदन में कैसे हमला करेंगे वो बताते हैं। वो ब्रिज नहीं गिरा सकते इसीलिए वो दलदल के रास्ते से हमला करेंगे। वहां की सभी नावें अलग हो जाती है क्योंकि वहां पर तूफान आता है। लीफ नाव को संभालता है। बेगन और ईसाई के बीच फाइट होता है। लीफ उसे छुड़ाता है। इधर कैटेगर में देखते हैं जहां रानी फ्रेडिस को घुमा रही होती है। फ्रेडिस एक बलि खरीदती है क्योंकि वो पुराने रीति रिवाजों से होती है। उसके पास पैसा नहीं होता इसीलिए वो अपने गले की हार देकर खरीद लेती है। उसके बाद उसे बलि देती है। रानी उससे बातें करती है। वो अपने हस्बैंड की स्टोरी सुनाती है। उसके हस्बैंड को कुछ आदमी दिखे। जब उनके आदमियों को पता चला कि उनके हस्बैंड पुराने रीति रिवाजों के हैं, उसे धर्म बदलने के लिए कहा लेकिन वो मना कर दिए इसीलिए उसे मार दिया गया। उनके आदमियों को भी धर्म बदलने के लिए कहा, वो लोग भी नहीं बदले, उन्हें भी एक एक करके मरवा दिया गया। इधर हम वाइकिंग को देखते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि लीफ नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं वो खो तो नहीं गया। राजा कैनुट कहते हैं कि तुमने ग्रीनलैंडर में क्या दिखाई दिया। वो कहता है कि वो बहुत अच्छा लड़ता है और मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। एडमिन मर्सिया पहुंचाता है जहां पर एड्रिल एस्टियोना रहता है। उससे बातें करता है और कहता है कि रानी एमा चाहती है कि तुम अपने सैनिकों को भेजो लेकिन वो मना कर देता है कि हम वाइकिंग से लड़ चुके हैं और उनके चालों को जानता हूँ। वो सबसे पहले मर्सिया पर अटैक करेंगे लेकिन एडमिन का कहता है कि ठीक है, जब तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। एड्रिक एस्टियोना मान जाता है। वो अपनी सेना ले जाने के लिए तैयार है। लीव को देखते हैं जो अपनी नाव लेकर जा रहा होता है। तभी वो ग्रोम कहता है कि हम भटक चुके हैं क्योंकि दूर दूर तक जमीन नहीं दिखाई दे रही है। लीफ आकर समझाता है कि आसमान में बर्ड्स उड़ रहे हैं, मानो मौसम साफ हो रहा है और हम जमीन के नजदीक पहुंच चुके हैं। दूसरी नाव को पता नहीं क्योंकि वो मेरी नाव नहीं है और वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी नाव शायद भटक गई होगी। तभी एक ईसाई हंसने लगता है। ग्रोम कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर मार देता है जिसकी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ग्रोम कहता है कि इस नाव का कैप्टन मैं हूँ क्योंकि उसको पता है कि लीफ अभी तक एक भी आदमी को नहीं मारा है, वो हमें क्या मारेगा। तभी लीफ आता है और उससे फाइट करता है, उसे जल्द ही मार देता है। वो नाइफ निकालने से पहले पूछता है कि क्या दिखाई दे रहा है। वो बताता है कि इंग्लैंड और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर राजकुमार एडमिन मर्सिया से आ रहे होते हैं। तभी उसको घंटी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब कि राजा मर गए हैं। अब एडमिन लंदन का राजा बन गया है। सभी उसको जय जयकार करते हैं। उसके बाद हम कैटेगट में देखते हैं जहां फ्रेडिस को एक नाइफ मिलता है। रानी उसको उपसाला भेजती है। वो एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपने भाग्य को जानता है। वो पवित्र जगह है क्योंकि वो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। रानी उसे जाने को कहती है क्योंकि ईसाई कभी भी उसको तबाह कर देंगे, इसीलिए उसे कई सिपाहियों के साथ उपसाला भेजती है। इधर ये लोग कैंट इंग्लैंड पर हमला करेंगे। वो पहुंच जाते हैं। उनके आगे एक नाव होती है, वो लीफ की नाव होती है। वो उनसे आगे निकल गया होता है। वो लोग उसके नज़दीक जाते हैं। उस नाव में दो लाश पड़ी होती है। सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं। हेराल्ड उसके पास जाता है और कहता है कि हम वाइकिंग हैं। ऐसा होता रहे। उसके बाद देखते हैं कि वो लोग
कैंट में जाकर सभी लोगों को मार देते हैं, जहां पर किसी को नहीं छोड़ते। तभी ओलाफ को कैंट की रानी मिलती है, वो उसको लेकर वाइकिंग के पास जाता है जहां पर वो लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं। उस लेडी को लेकर जाता है, वहां वो बताती है कि राजा मर गए हैं, अब इंग्लैंड की गद्दी पर उनका लड़का एडमन बैठा है। जब हेराल्ड ये बात सुनता है तो शौक हो जाता है, क्योंकि वो राजा का सिर लेने के लिए आया होता है, लेकिन अब वो मर गया तो उसका आना व्यर्थ। कनोट उससे पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है। उसके हस्बैंड लंदन गए हैं जमींदार के तौर पर। कनोट उससे प्रॉमिस करता है कि राजा मर तो गए लेकिन उसका बेटा जिंदा है, मैं उसका सिर ला कर दूंगा। वो लोग सोच रहे होते हैं कि राजा मर गए हैं तो लंदन पर जीत हासिल करना आसानी होगी। वो उनका भ्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर रानी एमा जो बहुत ही खतरनाक है, उनकी चालों को ये लोग नहीं जानते हैं। इधर एडमंड को देखते हैं जो अपने पिता के पास होता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना कर रहा होता है। वो उनकी तलवार ले लेता है और अपने आप को इंग्लैंड का राजा कहता है। तभी वहाँ रानी एमा आती है और कहती है कि तुम अभी कहीं नहीं जाओगे। वो एडमिन चाहता है कि एडिस एस्टियोना के साथ युद्ध पर जाए, क्योंकि उनके साथ रहेगा तो वो कंफर्म है कि वो एडिस एडियोना युद्ध में जीतेगा और वो राज्य में आएगा तो सभी लोगों को सोचेंगे कि राजा ने जीत दिलाई है, इसीलिए जाना चाहता है। रानी एमा चाहती है कि एडिस एस्टियोना को दलदल के किनारे भेजे, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग उसी रास्ते से आएंगे, वही दलदल में उनको मरवा दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि इसका आइडिया बहुत ही तगड़ा होता है। राजा एडमन चाहते हैं कि उसका राज अभिषेक किया जाए, लेकिन रानी उसको भी करने से मना करती है। वाइकिंग के कबीले में देखते हैं जहां हेराल्ड सभी को मार रहा होता है। तभी वहां पर लीफ आता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मैं अपने पिता की तरह बन गया। लीफ के जो पिता थे एरिक बहुत ही खूंखार थे, उसके पिता से हर कोई डरता था, इसीलिए कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो चाहता है कि सभी लोग उसके पिता का नाम भूलकर उसका नाम ले कि एरिक के बेटे ने किसी को नहीं मारा। इधर लंदन में एडमंड युद्ध की तैयारी कर रहा होता है, अपने सैनिकों से फाइट कर रहा होता है, वो उनसे जीत जाता है। वो सोचता है कि वाइकिंग से लड़ने के लिए रेडी है, लेकिन उसका भ्रम होता है। तभी गॉडविन उससे फाइट करता है, उसे बेरहमी से मारता है और कहता है कि वाइकिंग चांस नहीं देंगे, तुम अपने अहंकार से लड़ना सीखो। राजकुमार चाहते हैं कि उनका राज अभिषेक हो। फ्रेडिस को देखते हैं जो उपसाला जा रही होती है, वो लोग नदी के किनारे जाते हैं, नेचर का मजा ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक क्रिश्चियन आता है, उस लड़की को देखता है जो पैगन होती है, वो गुस्सा हो जाता है, वो अपनी तलवार निकाल कर उसे फाइट करता है। फाइट के दौरान फ्रेडिस के कई दोस्त मारे जाते हैं, एक लड़की बचती है लेकिन वो भी घायल हो जाती है। फ्रेडिस धागे की मदद से उस आदमी को मार देती है। उस लड़की का खून बह रहा होता है, उसे इलाज की जरूरत है, वो इलाज के लिए जाती है। उसके बाद हम महल में देखते हैं जहां मीटिंग हो रहा होता है। कैंट के जमींदार बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, उनकी सेना बहुत ज्यादा है, हमें मर्फिया की सेना से हेल्प लेनी होगी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सोना देकर हम उनसे युद्ध नहीं रोक सकते। रानी कहती है कि युद्ध हमने स्टार्ट किया था, उन लोगों को मारकर तो वो चुप नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें युद्ध करना बहुत जरूरी। वो लोग जब तक हम लोग का गला नहीं काट देंगे तब तक वो शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि वाइकिंग ऐसे ही होते हैं। उसके बाद राजा कैनूट को देखते हैं जो ओलाफ उनको दलदल दिखलाता है, इसी दलदल को पार करके जाना होगा क्योंकि आगे एक पुल है, उसी पुल को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ओलाफ लीफ को भेजना चाहता है देखने के लिए। हेराल्ड उसके पास जाता है, उसे पुल के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन लीफ के दोस्त मना कर देते हैं कि कहीं ये चाल हो सकती है मरवाने की, लेकिन हेराल्ड भी साथ जा रहा होता है इसीलिए वो लोग मान जाते हैं। वो लोग दलदल के रास्ते से होकर जाते हैं। तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है जो उनका मार्गदर्शन करेगा, उन सभी को मसाले देता है क्योंकि वहां पर कोहरा होने वाला है। इधर फ्रेडिस को देखते हैं जो उस लड़की को लेकर जंगल में बैठी होती है, उसे पता नहीं होता कि कहां जाना है, वो गॉड से प्रार्थना कर रही होती। तभी उसको एक बर्ड्स दिखाई देता है, वो उसका रास्ता दिखलाती है। इधर हम देखते हैं कि कोहरा स्टार्ट हो जाता है, वो लोग मसाले जलाकर जा रहे होते हैं, लेकिन वो मसाले दूर से दिखाई दे रही होती है। तभी उन पर कोई अटैक कर देता है और उन्हें तीर से मारने लगता है, वो लोग उनसे लड़ते हैं। हेराल्ड तीर से कई सिपाहियों को मार देता है, लीफ के एक साथी की मौत हो जाती है। लीफ ये देखकर उनसे हाथापाई कर लेता है। हेराल्ड और ग्रीनलैंडर लीफ को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो मर गया है, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह हेराल्ड कनूट के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है, ओलाफ से बहस कर लेता है। तभी उनको आवाज़ सुनाई देती है, वो लोग घोड़ा लेकर जाते हैं।
वहाँ से एक आदमी आता है जो लंदन का होता है। वो उन्हें चुनौती देता है युद्ध के लिए। उसके बाद हम महल में देखते हैं जहाँ वो लोग युद्ध के लिए बातें कर रहे होते हैं। राजा एडमंड कहता है कि हम उस वाइकिंग को दलदल के पीछे ही फाइट करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, मर्सिया की सेना करेगी, जिसे वो लोग उसे मार देंगे और हम लोग बच जाएंगे। इस बात से सभी लोग सहमति होते हैं। वो चाहते हैं कि एडमंड का राज अभिषेक किया जाए। रानी एडमंड के राजा बनने से गुस्सा होती है। इधर हेराल्ड उन लोगों से पूछता है कि लीफ आया, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं, शायद वो मर गया होगा। वो लोग चाहते हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए जाए, लेकिन हेराल्ड मना करता है और कहता है कि तुम लोग वहाँ पे मारे जाओगे और तुम्हारी मर्जी, अगर लीफ नहीं हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। फ्रेडिस को देखते हैं जो एक कबीले में जाती है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। वो वेद के पास जाती है और अपनी दोस्त के इलाज करने को कहती है। उस वेद का एक लड़का होता है, वो उसे ले लेती है। लीफ को देखते हैं जो बेहोश होता है। वो थोड़ा थोड़ा होश में आता है, तभी एक लड़की आती है, उसके हाथ में एक क्रॉस देती है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक सेक्शन का एक सिपाही आता है उसे मारने के लिए, लेकिन हेराल्ड उसे बचा लेता है और वो लोग नाव की मदद से सेक्शन के राज्य में जाते हैं। इधर फ्रेडिस उस लड़के को ली होती है, तभी उसकी माँ आती है और उस बच्चे को लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारी दोस्त खतरे से बाहर है। वो आकर उसका इलाज करती है। वो पीठ पर निशान देखती है और उसके बारे में पूछती है, वो बताती है। जब उसे पता चलता है कि वो आदमी से हमला हुआ था, वो दिखकर शौक हो जाती है और उसे जल्द से जल्द उपसला जाने को कहती है। तुम पहाड़ के रास्ते से होकर जाओगी क्योंकि वो सेफ रहेगा। एडमंड का राज अभिषेक हो रहा होता है। रानी को ये सब सही नहीं लग रहा होता है। ये दोनों उस महल के नज़दीक पहुंच जाते हैं जहां उसको एक सेक्शन का आदमी रोक लेता है और उसको अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि वो लोग पुल को खोल रहे होते हैं। उस पुल को खोलकर अंदर से नावों को ले जाया जा सकता है। लीफ देखता है कि पुल के नीचे से वो पुल आसानी से टूट जाएगा, इसी का वो फायदा उठाएगा। इधर एक आदमी को देखते हैं जो नकाब पहने उस जगह पर आता है और देखता है कि उसका आदमी मर गया है। वो गुस्सा हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो लोग पैगन है। उसके बाद देखते हैं कि वो लोग जंग की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि कल युद्ध होने वाला है। ये लोग प्लान बना रहे होते हैं हमला बोलने के लिए, लेकिन ओलाफ का जो प्लान था वो फेल हो गया है क्योंकि पुल तक जाते जाते में उनकी आधी सेना खत्म हो जाएगी। इसीलिए लीफ एक प्लान बताता है कि हम उस ब्रिज को तोड़ेंगे और राजा एडमंड को फंसाएंगे। अगर वो उनके हाथ में आ गया तो जीत उनकी पक्की होगी। लेकिन वो सुझाव कनूट को पसंद नहीं आता और कहता है कि हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। वो इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि लीफ का प्लान बहुत ही खतरनाक था। उसके बाद हम राजा एडमंड को देखते हैं जो गॉडविन और एमा के साथ मर्सिया के कबीले में जाते हैं और स्टियोना से मिलते हैं और उसको प्लान को समझाते हैं कि वो दक्षिण में है और तुम उत्तर में हो। राजा कैनूट की सेना के पीछे जाओ और जिससे वो लोग दलदल और नदी में फंस जाएंगे और उनको हराना बहुत ही आसान होगा। लेकिन स्टियोना नहीं मानता और कहता है कि हम अपने सैनिक को ऐसे ही खतरे में नहीं डाल सकते। राजा उसको कुछ जमीन देता है तो वो लोग मान जाते हैं। उसके बाद लीफ को देखते हैं जो बैठा होता है। तभी वहाँ पर राजा कैनूट आता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान सही था, लेकिन मुझे यकीन दिलाओ कि तुम्हारे साथियों के भरोसे में अपनी 10,000 सेना कैसे छोड़। लीफ बताता है कि उन लोगों को खोने का डर है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये काम जरूर करेंगे। वो उसके प्लान के मुताबिक चलेगा। वो दलदल पर करेंगे एक जुगाड़, जो सबसे पहले वो लोग एक लकड़ी को काटते हैं और उसको बनाते हैं एक नाव जो दलदल के रास्ते हो जाएगी। उसको बनाकर वो लोग दलदल के किनारे पहुंच जाते हैं। लीफ अपने दोस्तों से मिलता है क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। रात होने पर नाव की मदद से झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं जहां सेक्शन के सिपाही को मारकर उनकी नाव लेकर निकल जाते हैं। वो लोग पुल के पास जाते हैं तो अपने आप को ढक लेते हैं जिसे पता ना चले कि कितने आदमी हैं। वो पुल के नज़दीक पहुंच जाते हैं। एक सिपाही उनको देख रहा होता है, लेकिन वो लोग पुल के नीचे जाते हैं और जल्द से सभी लोगों को नाव से निकाल कर और उस नाव को भेज देते हैं जिसे शक ना हो। और सच में उस सिपाही को शक भी नहीं होता। इधर राजा कैनूट के सभी योद्धा युद्ध के लिए जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। लंदन पर वाइकिंग आ गए होते हैं। ये बात राजा एडमंड को पता चलता है कि वाइकिंग आ गए हैं। वो सभी वाइकिंग को देखने के लिए ऊपर जाते हैं। वो वाइकिंग नाव से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। रानी युद्ध की तैयारी करने के लिए कहती है। वो लोग पुल के नुकीले लोहे के डंडे को ऊपर निकालते हैं। वो नाव रुक जाती है। वो लोग सोचते हैं कि वाइकिंग रुक क्यों गए,
रानी को ये सब पता होता है कि वो लोग किस लिए रुके हैं, वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उधर से राजा कैनूट अपनी सेना लेकर आता है। वो लोग पीटते हुए आते हैं क्योंकि वाइकिंग की वही निशानी होती है। ये लोग रस्सी के खंभे से बांध देते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं वाइकिंग का। जब वो लोग उनके नजदीक आएंगे तो वो लकड़ी काटना स्टार्ट करेंगे। वाइकिंग उनके नजदीक आते हैं, वो लोग खंभे को काटना स्टार्ट करते हैं। राजा कैनूट बातचीत करना चाहता है, वो लोग भी वाइट झंडा फहराते हैं जिसे वो लोग बातचीत का निशानी समझते हैं। राजा कैनूट जाता है और उनसे बातें करता है। वो राजकुमार को युद्ध के लिए ललकारता है लेकिन रानी मना करती है क्योंकि स्ट्रियोना काफ़ी दूर है और उसके आने में टाइम लगेगा, तब तक कैनूट को उसी तरफ बातों में फंसाना होगा। लेकिन राजा कैनूट उसको इतना उत्साह देता है कि राजा फाइट करने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि कैनूट उसको कायर बोलता है, कायर राजा। वो लड़का है, गुस्सा तो होगा ही। वो अपनी सेना को युद्ध के लिए लेकर जाता है। रानी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं मानता और राजा कैनूट यही तो चाहता है। वो अपनी सेना को रेडी करता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। इधर पानी की धारा चेंज हो रही होती है। राजा अपने सिपाहियों को लेकर जाता है और उन्हें फाइट करता है। फाइट के दौरान कैनूट के कई सिपाही मारे जाते हैं। वो अपनी सेना को पीछे लेता है जिसे कई योद्धा मारे जाते हैं। इधर ये लोग रस्सी को बांध कर तीर की मदद से उस नाव पर भेजते हैं। ये रानी ये सब देख रही होती है और उसे चाल लगता है। वो राजा को बुलाने को कहती है। गोडविन जाता है राजा को बुलाने के। रानी तीर को नाव पर चलाने के लिए कहती है जिसे कुछ वाइकिंग मारे जाते हैं। तभी वो पुल गिरने लगता है क्योंकि वो नाव की मदद से रस्सी को खींच रहे होते हैं। धारा उसी की तरफ होती है। ये रानी उस पुल के नीचे तीर मारने के लिए कहती है जिसे लीफ के कई साथी मारे जाते हैं। लीफ उस खंभे को काट रहा होता है इसीलिए वो बच जाता है। हेराल्ड सभी को तीर की मदद से मारता है। वो राजा को पुल के बाहर लेकर जाता है जहाँ पर युद्ध के लिए वो लोग रेडी हो रहे होते हैं। एडमन समझता है कि उसको हरा देंगे क्योंकि उनकी सेना बहुत ज्यादा है। गॉडविन आकर कहता है कि पुल गिर रहा है, ये सब एक चाल है। तभी कैनूट के बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। ये सब देखकर राजा एडमन वहाँ से भाग जाता है लेकिन पुल के नजदीक पहुँचते वो पुल गिर जाती है। वो राजा फंस जाता है। वो लोग खुश होते हैं ग्रीनलैंडर की जय जयकार क्योंकि वो ग्रीनलैंडर की ही चाल होती है। रानी कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप देखती है। तभी राजा को स्ट्रियोना दिखाई देता है। वो आता है, जब देखता है कि राजा हार गए तो वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको दूसरा आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो वहाँ का राजा बनेगा इसीलिए वो अपनी सेना लेकर वहाँ से चला जाता है। राजा कैनूट आता है, कहता है कि इंग्लैंड हमारा हुआ। राजा को पकड़ लेते हैं और ये लोग जीत को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लीफ घायल होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि उसके साथी मारे गए होते हैं। उसके बाद हम फ्रेडिस को देखते हैं जो उपसला जाती है, जो बहुत ही पवित्र जगह है। वो पुराने धर्म को मानती है। तभी फ्रेडिस को एक पुजारन दिखाई देती है। वो उसको बुलाती है। फ्रेडिस को टेंपल के अंदर लेकर जाती है। वो टेंपल में तीन लोगों की मूर्ति होती है, ओडन, थॉर और फ्रेया। वो अपने भविष्य जानने के लिए आई होती है क्योंकि वो उपसाला पहली बार आई होती है। उसे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ हेराल्ड और ओलाफ सभी सेक्शन सिपाहियों को मार रहे होते हैं। हेराल्ड जाता है राजा का सिर काटने के लिए। इधर ओलाफ को दूसरे लालच दिखाई देती है, वो होती है सोने की, इसीलिए वो सबसे पहले जाता है रानी के पास और उसे किडनैप कर लेता है। राजा कैनूट उस राज्य में आते हैं। इधर सभी सेक्शन जमींदार को लेकर आया जाता है। हेराल्ड राजा का गला काटने के लिए करता है। तभी कैनूट आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने उसका गला काटा तो अगला सर तुम्हारा होगा। कैनूट अपना मन क्यों बदल लिया, क्योंकि वो दूसरे चीज चाहता है। हेराल्ड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम लीव को देखते हैं जो अपने दोस्तों की लाशों को इकट्ठा कर रही होती है। तभी वहां पर लीव आता है और उसको आते ही लीव बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में तीर लगा हुआ था। वो उसको वेद के पास लेकर जाता है। वो उसके तीर को निकालने के कहता है, नहीं तो उसकी बॉडी सड़ जाए। लीव उस तीर को निकालता है। लीव दर्द से चिल्ला रही होती है। इधर राजा एडमन को लेकर आया जाता है। राजा कैनूट पूछता है कि ये किसकी चाल थी क्योंकि उसकी रणनीति इतनी खतरनाक थी कि वो लोग हार जाते, लेकिन एडमन कहता है कि यह तो मेरी चाल थी। राजा कैनूट को यकीन था कि ये इसकी चाल नहीं हो सकती। राजा कैनूट उस एमा के बारे में पूछता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। इधर एमा को देखते हैं जो ओलाफ उसको कैद किया होता है सोना के लिए। ओलाफ पहले राजा का सलाहकार था, वो उसी रूम में रहता था। एमा से वो सोने के बारे में पूछता है क्योंकि उस राजा के पास बहुत सारा सोना होता है। यह पहले सलाहकार रह चुका था इसीलिए उसको पता होता है। रानी नहीं बताती ओलाफ उसके बच्चों को किडनैप किया होता है और उन्हें लाता है और कहता है कि हमें बलि देने का बहुत आवश्यक है। फिर से पूछता है कि सोना कहाँ है लेकिन वो नहीं बताती।
ओलाफ उन्हें लेकर जाता है और कहता है कि सोना मिलेगा तभी ये लोग मिलेंगे, अगर सोना तुम्हारे बिना मिले तो इन्हें मैं मार दूं और तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम फ्रेडिस को देखते हैं जो विधि से उसको पुजारन लेकर जा रही होती, उसे कुछ पीने को देते हैं, वो पीती है, उसके बाद वो लेटती है, उसकी बॉडी पर वाइट कपड़ा डालते हैं, वो बेहोश हो जाती है, वो एक बर्ड्स में बदल जाती है, वो रास्ते से होकर जा रही होती है, तभी उसको कुछ दिखाई देता है जो उनका घर तबाह हो गया होता है। फ्रेडिस से वो लोग हेल्प मांग रहे होते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जंगल में होती है। इधर लंदन में देखते हैं जहां पर कैनूट के आदमी हेराल्ड को पकड़ कर कैनूट के पास लेकर जाते हैं। हेराल्ड कैनूट से गुस्सा होता है क्योंकि उसने किया वादा तोड़ दिया। कैनूट उसको समझाता है कि तुम नॉर्वे का राजा बन सकते हो क्योंकि ओलाफ का एक लड़का होता है, वो हेराल्ड को नहीं बताया। हेराल्ड समझता है कि ओलाफ के मरने के बाद वो नॉर्वे का राजा बनेगा, लेकिन वो उसका भ्रम होता है क्योंकि उसका लड़का ही बनेगा जो अभी 12 साल का है। कैनूट कहता है कि तुम एक काम कर दो, नॉर्वे की सत्ता तुम्हारी होगी, उस रानी एमा को ढूंढ कर लाओ। गोडविन को देखते हैं जो उसको पकड़ कर हेराल्ड के पास लाया जाता है क्योंकि गोडविन ने ही हेराल्ड की जान बचाई होती है। जब राजा ने सभी वाइकिंग को मार दिया होता है तब हेराल्ड जा रहा होता है, तभी राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, उसे मारने के लिए करते हैं, लेकिन गोडविन आकर उसकी जान बचा लेता है। इसीलिए हेराल्ड पूछता है कि एमा कहाँ है, लेकिन उसे पता नहीं होता, तभी हेराल्ड को पता चल जाता है कि वो कहाँ है। इधर फ्रेडिस को देखते हैं जो उस आदमी से मिलती है, वो उसके हाथों पर लिक्सिंग करती है, वो आदमी उसको लास्ट कहता है। अब उसे पता चलता है कि वो रास्ते में आते समय उन लोगों की मदद नहीं की, वो गुस्सा हो जाता है, वहां से चला जाता है। उसके बाद लंदन में देखते हैं जहां पर मर्सिया के राजा स्ट्रियोना आते हैं। कैनूट का उनका स्वागत करता है और कहता है कि मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि तुमने मेरे आदमियों पर हमला नहीं किए, नहीं तो हम लोग आज इंग्लैंड पर जीत हासिल नहीं कर पाते। स्ट्रियोना को शाम पर दावत के लिए पूछता है। उसके बाद हेराल्ड एमा को वहां से निकाल देता है क्योंकि उसको ये घर याद होता है क्योंकि वो इंग्लैंड आता था तो यहीं पर रुकता था, वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर लिफ को देखते हैं जो अपने दोस्त को आग जलाकर उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद वो लिफ के पास जाता है, तभी राजा के सैनिक उसको बुलाते हैं, वो लिव के हाथ में क्रॉस देता है, उसी क्रॉस ने लिव की जान बचाई होती है। शाम को वो लोग जश्न मनाते हैं। कैनूट सबको धन्यवाद मांगता है क्योंकि उन लोगों ने जीत दिलाई होती है। वो रानी एमा को बुलाता है, जब ये ओलाफ देखता है तो शौक हो जाता है। ओलाफ सोचता है कि किसने एमा को छुड़ा दिया क्योंकि किसी को नहीं पता उस रूम के बारे में सिवाय उसके भाई को, इसीलिए वो उसी पर शक करता है। कैनूट गिलेंडर को नाम लेने के लिए कहता है और कहता है कि सभी पीढ़ियां उसके पिता को नहीं बल्कि उसे याद करेगी, और गिलेंडर यही तो चाहता था, उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसके पिता को सभी लोग भूल जाए और उसको सब याद करें क्योंकि उसके पिता भगौड़े थे और बहुत ही खूंखार। राजा कैनूट सभी से धन्यवाद मांगता है, तभी मर्सिया के राजा स्ट्रियोना इंग्लैंड का राजा बनना चाहता है। कैनूट कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ओलाफ को सोना देता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सोना का ही पागल है। कैनूट कुछ आदमियों को बुलाता है, साथ में कुल्हाड़ी और लकड़ी होता है। सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं कि आज किसका गला कटने वाला है। कैनूट को लगता है कि इसमें कोई जासूस है। सबके फटके चार हो जाती है, सबसे ज्यादा ओलाफ की फटी होती है क्योंकि उसने रानी को किडनैप किया होता है, लेकिन उसके सैनिक स्ट्रियोना को लेकर जाते हैं क्योंकि वो इंग्लैंड का राजा बनना चाहता है। कैनूट उसका गर्दन काट देता है। ओलाफ अपने भाई से कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया, एमा को क्यों छुड़ाया। रानी एमा अपने बच्चों को किडनैप करने के बारे में बताती है। कैनूट उससे पूछता है कि कौन है, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि अगर वो बता दी तो ओलाफ उसके बच्चों को मार डाले। राजा कैनूट कहते हैं कि मैं उसको जरूर ढूंढूंगा। हेराल्ड गोडविन के पास जाता है, उसे हेल्प मांगता है, अगर वो एमा के बच्चे को ढूंढ दिया जाएगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन वो मना कर देता है। राजा कैनूट आकर उसके पास कहते हैं कि मैं तुमको आजाद करूंगा। वो गोडविन मान जाता है और उसके बाद वो झोपड़ी के पास जाता है जहां ओलाफ उसके बच्चे को कैद किया होता है। गोडविन पादरी के रूप में जाता है बच्चों को प्रार्थना करवाने के लिए। जब बच्चे प्रार्थना कर रहे होते हैं तभी गोडविन उन सबको मार देता है और बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। इधर लीव के पास जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं होती है, वहां पर दूसरे आदमी को रखा होता है। वो लीव के पास जाता है, उसे मिलता है, वो बच चुकी है और कहता है कि राजा ने फ्रेडिस को आजाद कर दिया है, यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उसको नाम मिला है, सम्मान मिला है, सब लोग उसको जानते हैं क्योंकि ग्रीनलैंडर में कोई उसको नहीं जानता और सब सनकी राजा के बेटे बोलते हैं उसको, इसीलिए वो कहता है कि वो यहीं पर रुकेगा। कैनूट एमा के बच्चे को लेकर जाता है और एमा को दे देता है। एमा उसकी जिंदगी भर आभारी रहेगी क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है।
कनूट गोडविन को आजाद कर देता है। इधर लीफ और हेराल्ट दोनों बातें कर रहे होते हैं। लीफ उसको क्रॉस दिखलाता है जो उसने उसकी जान बचाई होती है, वो उसे दिखाता है। उनका मानना है कि गॉड ने ये सब किया होता है, गॉड ने ही लीफ का हेल्प किया होता है, क्योंकि लीफ हर जगह बच जाता है, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि वो क्रॉस भाग्यशाली है। इधर उपसाला में फ्रेडिस ध्यान कर रही होती है, वो ध्यान में उस वेद को देख रही होती है। वेद उसकी दोस्त के साथ होती है, तभी वहाँ पे कोरा आता है जो वेद के बच्चे को लिया होता है। वो जानता है कि वो दोनों पेगन हैं। कोरा अपने हाथ को काटकर उस बच्चे के सिर पर क्रॉस का निशान बनाता है, क्योंकि वो क्रिश्चियन का बहुत बड़ा फैन है। मैं क्या ही बताऊँ, अगर वो पैगन दिखे तो वो लोग उसे धर्म नहीं मानता। हलोग ये तो गलत है, लेकिन कोरा ऐसा ही है, बहुत ही खूंखार है। उसकी सेना इतनी है कि आप देखकर चौक हो जाओगे। वो पूछता है कि वो लड़कियां कहाँ है। उसे पता चलता है कि एक लड़की उपसाला है और एक लड़की यहीं पर है। ओलाफ उसके चेहरे पर क्रॉस बनाता है और उस लड़की को मारने के लिए जाता है, उसे मार देता है। वो वेद बाहर जाती है, कोरा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। फ्रेडिस को ये सब पता चल जाता है। उपसाला के घोड़े और तलवार लेकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कोरा ने उन दोनों को मार दिया है। आप देखते हैं कि फ्रेडिस वेद के घर में जाती है, लेकिन उस गांव में कोई नहीं होता। वो घर के अंदर जाती है, उसकी दोस्त को वो आदमी मार कर लटका दिया होता है। वो उसे नीचे उतारती है और रोने लगती है और गुस्सा हो जाती है, कोरा को मारने के लिए जाती है। जब वो जंगल में जाती है तो पूरे गाँव वालों का सर कटा होता है, तभी उसे कोरा दिखाई देता है। वो उसे मारने के लिए जाती है तो वो रुक जाती है, क्योंकि उसके पास वेद का बच्चा होता है। कोरा कहता है कि तुम योद्धा नहीं लगती। कोरा के आदमी भी आ जाते हैं। कोरा कहता है कि इस लड़की का सर काट दो। फ्रेडिस तलवार निकालती है। कोरा तलवार को देखता है और अपने आदमियों को रोकने को कहता है। फ्रेडिस से पूछता है कि तुम्हें तलवार कहाँ से मिली। वो कहती है कि उपसला में। कोरा उस आदमी के बारे में पूछता है कि उसने तुम्हें क्या कहा। वो कहती है कि मुझे लास्ट कहा। यह सुनकर वो कहता है कि जाओ, हैकोंग से कहना है कि कोरा आ रहा है। वो वहां से चला जाता है। फ्रेडी सोचती है कि उसे क्यों नहीं मारा। उसके बाद हम लंदन में देखते हैं, जहां राजा केनूट की आधे से अधिक सेना घर लौट रही होती है। ओलाफ टोरी से मिलता है। कोई ओलाफ चाल चल रहा होता है, वो क्या चाल चल रहा होता है वो हमें आगे पता चलेगा। राजा केनूट हेराल्ड से मिलता है और उसको एक सिक्का देता है और कहता है कि अगली बार आना तो इस सिक्के पर मेरा फोटो होगा। लीव को आराम से जाने को कहता है। उसके बाद सभी वाइकिंग वहां से चले जाते हैं। जब राजा केनूट जा रहा होता है तभी गॉडविन आता है, राजा से मिलता है। राजा को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, इसीलिए राजा केनूट कहता है कि रस्सी का व्यवस्था करो। गॉडविन जमींदारों के पास जाता है और कहता है कि राजा ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन एक जमींदार गुस्सा होता है। गॉडविन को कहता है कि तुम राजा के तलवे चाट रहे हो, एकदम अपने पिता की तरह। गॉडविन गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले उसी आदमी को लेकर जाता है राजा के पास। रानी आकर राजा केनूट को धन्यवाद मांगती है, क्योंकि उसने उसके बच्चे को लाया। राजा केनूट कहता है कि तुम अपने घर जा सकती हो नौरा मंडी, लेकिन रानी मना, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी से वो यहाँ पर रह रही है, लंदन ही उसका घर। राजा केनूट मान जाता है। रानी को एडवाइजर बनाने के लिए उसको इंग्लैंड का सोना चाहिए और पूरे यूरोप पर सेना बनाना चाहता है। इधर फ्रेडिस को देखते हैं जो कैटेगेट में जाती है। रानी हैकोंग से बातें करती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। रानी कहती है कि तुम कोरा से मिली थी, जब उसे पता चलता है तो कोरा यहाँ पर आ रहा है वो थोड़ा सा भयभीत हो जाती है। रानी की एक योद्धा होती है, वो कहती है कि कोरा के पास इतनी सेना नहीं है कि वो मुझे हरा देंगे। हॉकॉन्ग फ्रेडिस को आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से चलकर आई होती है, लेकिन वो रानी की योद्धा होती है, वो फ्रेडिस पर भरोसा नहीं करती। रानी कैटेगट की सिक्योरिटी बढ़ाने को कहती है, फ्रेडिस को युद्धा के लिए तैयार करने को कहती है। उसके बाद कोरा को देखते हैं जो उपसला जाता है। वो पेगन और अन्य धर्म से नफरत क्यों करता है, आइए बताता हूँ। जब कोरा छोटा था तो अपनी फैमिली के साथ इस जगह पर आया होता था। उसमें उसकी माँ और बड़ा भाई और पिता होते हैं। वो लोग उपसाला में जाते हैं। उसका बड़ा भाई पैगंबर से मिलने के लिए जाता है। उसे भी उस चीज पर लेटाया जाता है और उसके गर्दन को काट देते हैं। यह देखकर वो कोरा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसीलिए पेगन से वो नफरत करता है और वो छुपते हुए उपसाला के अंदर जाता है और पैगंबर से मिलने के लिए कहता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी भाई की मृत्यु हुई थी। वो अपने हाथ को काटता है। इधर लंदन में देखते हैं, जहाँ रानी एमा कनूट को बताती है कि इंग्लैंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लगान, क्योंकि लगान कई
गांवों और शहरों से नहीं मिलता। अगर कनूट सभी लगानों को ले लेगा तो उसका बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। फ्रेडिस को देखते हैं जो फाइट कर रही होती है, लेकिन वो हार जाती है। रानी उसे लेकर जाती है, उपसाला के बारे में पूछती है। वो बताती है कि पैगंबर से मिली थी, वो हमें लास्ट बुलाया और कुछ बातें को लेकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। रानी होकोंग को भी पैगंबर से मुलाकात हुई थी। वो सपना देखती है कि एक दिन बंदरगाह से सभी पानी अचानक से गायब हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो पानी गया कहाँ। वो सोचते हैं कि कोई चमत्कार हुआ है, सभी लोग मछली को बिनने के लिए जाते हैं। तभी पानी बहुत ऊंचाई से आया और सभी को मार दिया। होकोंग किसी को नहीं बचा सकी, बस एक औरत बची है, वो थी तुम, क्योंकि पैगंबर तुम्हें लास्ट बोला था। कनूट सभी जमींदारों को बुलाता है और वो लोग आते हैं, देखकर शौक हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक दोस्त टंगा होता है, उसकी मौत हो गई होती है। राजा कनूट कहते हैं कि मैं आपके घर जमीन सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हूँ। वो चाहते हैं कि वो राजा कनूट का स्वीकार कर ले, क्योंकि अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो उनका हर्ष उसके दोस्त की तरह होगा। अगर तुम लोग मेरे लिए लॉयल रहोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। सबसे पहले केंट के जमींदार जाता है। वाइकिंग ने सबसे पहले केंट पर ही हमला किया था। वो जमींदार उस केंट को छोड़कर भाग गया होता है। वो लोग उसकी वाइफ को पकड़कर उससे पूछताछ करते थे। वो जमींदार राजा के प्रति लॉयल रहने के लिए कसम खाता है। सेक्सर के जमींदार भी लॉयल रहने के लिए कसम खाता है। ईस्ट एग्लिया के भी जमींदार लॉयल रहने के लिए कसम खाता है। इधर फ्रेडिस फाइट कर रही होती है, तभी वहाँ पे वाइकिंग की सेना आ जाती है। सभी लोग देखकर खुश हो जाते हैं। फ्रेडिस अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। जब उसे पता चलता है कि सभी उसके दोस्त मारे गए हैं, वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है और उन्हें आराम करने के लिए कहती है। वो हेराल्ड से नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। हेराल्ड सोने को लेकर रानी होकोंग के पास जाता है और कहता है कि राजा कनूट ने आपके लिए तोहफा भिजवाया है। हेराल्ड होकोंग से मदद मांगता है और कहता है कि मैं नॉर्वे का राजा बनूंगा, क्योंकि राजा कनूट ने वचन दिया था। वो ओलाफ पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी भी उसे धोखा दे सकता है। इधर डेनमार्क में देखते हैं, जहाँ राजा कनूट वहाँ का राजा होता है। ओलाफ अपनी सारी सेना लेकर डेनमार्क में जाता है। राजा कनूट की वाइफ से कहता है कि आपके हस्बैंड ने इंग्लैंड पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन वो डेनमार्क नहीं आने वाली, क्योंकि वो इंग्लैंड में ही रहना चाहते हैं। पर क्यों? ओलाफ बोलता है कि मैं क्या बताऊँ। रानी सबको बाहर भेज देती है। तभी ओलाफ कहता है कि वो इंग्लैंड की रानी, जो बहुत ही खूबसूरत है, वो उनके साथ रह रहे हैं। ओलाफ के आते समय पता चलता है कि वो शादी करने वाले हैं। ओलाफ चाहता है कि वो नॉर्वे का राजा बने, लेकिन राजा कनूट नहीं चाहते। ओलाफ कहता है कि मैं नॉर्वे का राजा बनूं, इसीलिए वो रानी से अपनी सेना भेजने के लिए मना करता है। इधर लीव फ्रेटिस और लीव को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। उस घटना के बारे में फ्रेडिस सब कुछ बताती है। हेराल्ड आता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हेराल्ड उसे बातें करता है। फ्रेडिस कोरा के बारे में बताती है। हेराल्ड को कोरा के बारे में पता होता है, क्योंकि वो कट्टर ईसाई है। फ्रेडिस वहाँ से चली जाती है, क्योंकि हेराल्ड भी ईसाई होता है। हेराल्ड ने बचपन में अपना धर्म चेंज कर लिया होता है। उसके बाद वो लोग कैटेगट में जश्न मनाते हैं। वहाँ पर हेराल्ड और गिरलैंडर की बड़ाई हो रही होती है। तभी हेराल्ड उठता है, गिरलैंडर के दोस्तों और उसके बारे में सबको बताता है, क्योंकि लीफ के दोस्त कई मारे गए उस युद्ध में, अपनी जान को दांव पर रख कर युद्ध में लड़े। सब लोग उस कहानी को सुनकर दंग रह जाते हैं। गिरलैंडर के नाम वो लोग वाइन पीते हैं। उसके बाद हेराल्ड एक जगह जाता है, उसके पास फ्रेडिस आती है, उससे धन्यवाद मांगती है। हेराल्ड उसका लॉकेट दे देता है, क्योंकि वो कल उसका कॉम्पिटिशन होने वाला है। एक आदमी पेगन होता है, लीफ ने उसके पिता को नाव पर मारा होता है। तभी वो अपना बदला लेने के लिए आता है, लेकिन एक सिपाही उसे रोक लेती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। इधर लंदन में देखते हैं, जहाँ गॉडविन राजा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया होता है, लेकिन उसके सिपाही उसे रोक लेते हैं, क्योंकि राजा कनूट रानी के साथ लव मेकिंग कर रहे होते हैं। जब गॉडविन को ये बात पता चलती है, तो वो वहाँ से चला जाता है और एक नदी के पास जाकर सोचने लगता है। तभी वहाँ पर एडमन आता है और कहता है कि मैं अब अनाथ हो गया हूँ, अपने ही राज्य में एक पराये की तरह हो गया हूँ। गॉडविन उसे समझाता है कि आप भी अभी इंग्लैंड के राजा हैं, क्योंकि कनूट की सभी सेना वहाँ से चली जाती है, इसीलिए वो आप पर निर्भर। इधर कैटेगट में देखते हैं, जहाँ कंपटीशन हो रहा होता है। उस कंपटीशन में फ्रेडिस जीत जाती है, भले ही उसे चोट का सामना करना पड़ता है। वो वचन लेती है कि हमेशा कैटेगट की रक्षा करेगी मरते दम तक, लेकिन रानी भी वचन देती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। फ्रेडिस बहुत ज्यादा खुश होती है। वो हेराल्ड के पास जाती है और उसके लॉकेट देती है। उसके बाद वो दोनों लव मेकिंग करते हैं। कोरा पैगंबर के पास जाता है, वो भी
बचपन में पैगंबर से मिला होता है। उसे बताया कि उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। फिर से उसके पास जाता है, उसके हाथों को चाटता है, उसकी सच्चाई को पता चल जाता है। वो वहां से निकलता है और सभी उपसाला वालों को मार देता है। उसका एक मिशन होता है, क्या मिशन होता है वो हमें आगे पता चलेगा। राजा रानी के साथ होता है, तभी एक आदमी आता है। डेनमार्क से एक नाव आई है और उसे एक खत मिलता है। कनूट खत को पढ़ने के बाद वो यहाँ से जाने की तैयारी करने के लिए कहता है। वो रानी के पास जाता है और कुछ पूछता है। वो क्या पूछता है वो हमें आगे पे है। कैटेगट में एक नाव आती है जो उसमें एक बच्चा रो रहा होता है। सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। वो नाव कैटेगट में जाता है जहाँ रानी हॉकॉन्ग आती है और फ्रेडिस उस बच्चे को ले लेती है। वो बच्चा होता है वेद का। फ्रेडिस रानी से कहती है कि यह काम कोरा का हो सकता है। होकर उसे उपसाला जाने को कहती है। इधर लंदन में देखते हैं जहां एडमंड को पता चलता है कि कनूट डेनमार्क गया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि यहां की सत्ता अब उसके हाथों में है। तभी उसे पता चलता है कि रानी एमा की शादी हो गई है। वो शौक हो जाता है। एडमंड को राजा कनूट के पिता फॉर्कवेट दिखाई देते हैं। अब वो इंग्लैंड पर राज करेंगे। फॉर्कवेट कहते हैं कि कनूट ने तुम्हें मरवा क्यों नहीं दिया, क्योंकि एडमंड जमींदारों को संभालता है। उसके बाद राजा एमा से मिलने के लिए जाते हैं और उसे बातें करते हैं। वो कहते हैं कि कनूट नॉर्थ को कैसे संभालेगा क्योंकि तुम पर शक हो रहा है। एमा कहती है कि मैं यकीन दिलाने के लिए क्या कर सकती हूँ। इधर फ्रेडिस लीव हेराल्ड और लीव चारों जाते हैं उपसला को देखने के लिए। दूर से उनको दिखता है कि उपसला जल रहा है। वो लोग वहां पे जाते हैं तो सभी लोग मारे गए होते हैं। वहां पर कोई नहीं जिंदा होता है। सभी लोग दो दो करके अलग अलग हो जाते हैं। इधर लंदन में देखते हैं वेकेस के जमींदार लगान कई सालों से कम दे रहा है क्योंकि उसने राजा की जान बचाई थी। एट यॉर्क तो फॉरवर्ड से लड़ते हुए इसीलिए वो हमेशा कम लगान देता है, लेकिन राजा उसे मना कर देता है। वो एडमेट से मदद मांगता है लेकिन राजा एडमेट भी मना कर देते क्योंकि वेसेक्स की सेना नहीं आई थी जब वाइकिंग लंदन पर अटैक कर रहे थे, इसीलिए वो भी हेल्प नहीं करता। यह बात राजा फॉर्कवेट को बहुत बुरा लगता है। इधर उपसला में देखते हैं जहाँ सभी लोग मर गए होते हैं, वहाँ पर कोई नहीं बच्चा होता। वो लोग ओडन की मूर्ति को भी जला दिए होते हैं। यह फ्रेडिस देखकर रोने लगती है। इधर लीफ और हेराल्ड को तीन छोटे लड़कियाँ दिखाई देती है। वो उसे लेकर फ्रेडिस के पास जाते हैं लेकिन वो लड़कियाँ फ्रेडिस से मिलती है। उनको कोरा ने ही छोड़ा होता है मैसेज के लिए। वो कहती है कि कोरा कहता है कि कैटेगट को तबाह करेगा और फ्रेडिस का सर काटेगा क्योंकि उसके देवता ने कैटेगट को नष्ट करने के लिए। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है। तभी वहां पर रानी के कुछ सैनिक आते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना कोरा को ही ढूंढकर मार दे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उनकी सेना बहुत ज्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग उन्हें कैटेगट जाने को कहते हैं और रानी को ये सब बताने के लिए कहते हैं। ये लोग यहाँ पर इन लोगों को अंतिम संस्कार करके और जो लोग बचे हैं उनको लेकर आएंगे। इधर गॉडविन और एडमंड जा रहे होते हैं, वो हॉर्स रेसिंग कर रहे होते हैं। एडमंड एक जगह पर रुककर राजा को ठिकाने लगाने के लिए कहता है लेकिन गॉडविन मना कर देता है। तभी राजा गॉडविन को बुलाते हैं और कहते हैं कि साता खतरे में है। वहां पर वेसेक्स की जमींदार आता है। वो उससे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा था, तुमने ऐसा क्यों कहा। वो उसे चाकू मार देता है। उसके बाद वो गॉडविन के पास आता है और उसके गर्दन पे चाकू रखता है। वो कहता है कि मेरा बेटा कहता है कि तुम लॉयल्टी आदमी हो। वो हिलता नहीं है। वो राजा कहता है कि तुम बनोगे अब वेसेक्स के नए जमींदार। उसके बाद ओलाफ कोरा से मिलता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो दोस्त तो मानता है लेकिन भरोसा नहीं करता। वो उसके पास जाता है, वो लोग उसका स्वागत करते हैं। इधर हम लीव और लीफ को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। लीव कहता है कि वो लोग हमसे एक दिन आके हैं। वो दोनों एक जगह बैठकर विश्राम करते हैं। लीव बताता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके पिता बहुत ही निर्दयी थे। एक बार वो लोग बकरी के बच्चे को लेने गए लेकिन वो आदमी उनको नहीं दिया। तभी एरिक उसके पिता उसको मार दिए और यही बात उसको बहुत ज्यादा खलती है। लेकिन वो लीव के साथ होता है तो सब कुछ भूल जाता है। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ एमा अपने बच्चों के साथ खेलती है। वहां पर गॉडविन और एडमंड आते हैं। एडमंड रानी के लिए गिफ्ट लाया होता है। रानी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
ओलाफ गोरा से दोस्ती का हाथ फैलाता है। वो उसके साथ इसलिए आया क्योंकि उसे पूर्व नॉर्वे चाहिए, इसलिए कैटेगट को पाना बहुत जरूरी है। वो उसे हेल्प मांगता है, वो कोरा की मदद से कैटेगट को पर हमला कर सकता है। कोरा का मानना है कि वो उसके ईश्वर ने कैटेगट को तबाह करने के लिए कहा, इसलिए वो कैटेगट को तबाह करने के लिए जाएगा और एक बहुत बड़ा गिरजाघर उसमें बनाएगा। एक बूढ़े पैगन को रखा होता है, वो उसी से एडवाइस लेता रहता है। जब ओलाफ उसको देखता है तो शौक हो जाता है क्योंकि उसमें कोई नहीं होता, वो उसको पागल समझता है। फिर भी काम है तो हाथ मिला लेता है। ये सब लीफ और लीफ देख रहे होते हैं। वो वहां से कैटेगट की तरफ जाते हैं। इधर राजा एडमंड को देखते हैं जो जमींदारों के पास जाते हैं और उस राजा को हटाने के लिए कहते हैं। सभी लोग सहमति होते हैं, कोई भी वाइकिंग राजा के साथ नहीं रह सकता। सभी लोग क्वाइन देकर कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। वो राजा कहते हैं कि ठीक है और गार्डमैन के साथ रेस लगाने लगता है। वो लोग जाते हैं, तभी राजा गिर जाते हैं, उसके पेट की हड्डी टूट जाती है। एडमंड कहता है कि वो रस्सी किसने लगाई। गॉडविन जाता है, उस रस्सी को निकाल लेता है। ये सब गॉडविन का काम होता है। वो यूं क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। जमींदारों राजा को गिरते हुए देखते हैं, वो लोग उसके पास आते हैं। जमींदार के आते आते गॉडविन उसके सीने में नाइफ की मदद से तिल को चीर देता है, जिससे कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी जमींदार उसके पास आते हैं लेकिन राजा मर चुके होते हैं। यह खबर राजा फोर्केविट को बताते हैं कि राजा एडमंड की मृत्यु हो गई है। सभी लोग सुनकर शौक हो जाते हैं, सबसे ज्यादा रानी दुखी होती है। इधर ये दोनों रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ओलाफ कोरा के साथ मिल गया है, वो अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि बगल के शहरों से हेल्प मांगे लेकिन पहले से ही वो तबाह हो चुके हैं। वो लोग युद्ध की तैयारी करने को कहते हैं। इधर एडमंड को देख रेख चल रहा होता है, तभी वहां पर रानी एमा आती है जो कहती है कि तुम लोग। उसके बाद उसकी बॉडी पर चोट के निशान देखती है, तभी एमा को कटा हुआ निशान मिलता है जो किसी ने काटा होता है। वो गुस्सा हो जाती है, गॉडविन और राजा फोर्केविट को बुलाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि चोट लगी होगी क्योंकि एक्सीडेंट में ऐसा होता रहता है। फोर्केविट जाने कहता है और कहता है कि मैंने ये करवाया, लेकिन रानी उसको डांटने लगती है। उसके बाद हम कैटेगट में देखते हैं जहाँ युद्ध की तैयारी चल रही होती है। हेराल्ड फ्रेडी से कहता है कि मैं नहीं खो सकता तुमको क्योंकि कोरा की सेना बहुत ज्यादा। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ फोर्केविट अपने पोतियों से मिलता है जो कल रात अपनी माँ के साथ आए होते हैं। राजा एल्फीगिफ से मिलता है जो कहती है कि अब मैं यहाँ की रानी हूँ, लेकिन फोर्केविट कहता है कि तुम यहाँ कभी नहीं रानी बन सकती हो क्योंकि तुम एक पेगन हो। जब ये वर्ड रानी सुनती है तो वो राजा से कहती है कि ओलाफ मेरे पास आया था, वो कैटेगट पर हमला करना चाहता है। राजा कैनूट डेनमार्क गए हैं तो सेना उनकी बातों को मानती थी, इसीलिए सेना को छुपा दी। अगर ओलाफ कैटेगट पर हमला कर दिया तो वो लोग संकट में आ सकते हैं क्योंकि पूरा उत्तर खतरे में आ सकता है। वो ऐसी जगह सेना छुपाई होती है जिसको मिलना मुश्किल हो। लीफ बैठा होता है, तभी वो लड़का आता है जो उसे मारने के लिए कहता था। वो उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लीफ ताकतवर है। लीफ समझाता है कि तुम्हारे पिता योद्धा थे, उनका नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। वैसे ही उसे समझाता है, तभी वहाँ पे जासूस आ जाते हैं जो रानी ने भेजा होता है पता लगाने को। उन्हें मार दिया जाता है, यही देखकर कहते हैं कि उनकी सेना अभी कमजोर है, तब तक हम उन्हें मार सकते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता। सभी लोग युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद रानी एमा एल्फीगियो से मिलती है, उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। एल्फीगियो कहती है कि भेड़िया तुम्हारे घर में घूम रहा है, वो तुम्हारा शिकार कभी भी कर सकता है। उसके बाद रानी एमा फोर्केविट के पास जाती है, वो परेशान होता है क्योंकि एल्फीगियो ने सारी सेना छुपा दी होती है। उन्हें खोजने में कई हफ्ते लगेंगे लेकिन उसके पास कुछ ही घंटों का टाइम होता है। वो गुस्सा होता है क्योंकि उसे भी पता है कि कैटेगट में कुछ हुआ तो पूरा उत्तर खतरे में आ जाएगा। रानी उसको एडवाइस देती है। इधर कैटेगट में देखते हैं जहाँ रानी हॉकॉन किसी को आसगार्ड जाने को कहती है मदद गुहार करने के लिए। वो सभी से कहती है कि कोई है जो वहाँ पर जा सकता है मदद की गुहार लगाए। तभी एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं जाऊँगा। रानी उसके पास जाती है और कहती है कि तुम अपनी मर्जी से जाना चाहते, उसे यात्रा के लिए लेकर जाते हैं। इधर लंदन में देखते हैं जहाँ गॉडविन रानी से मिलता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। वो रानी खुश हो जाती है, वो समझाता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वो उसके
पति के एडवाइजर होते हैं। रानी सोचने लगती है क्योंकि वो सबके बारे में बताता है। उसके बाद हम हारल्ड को देखते हैं जो फ्रेडिस को देख रहा होता है। वो कैटिगर से बाहर निकल जाता है, ओलाफ से मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लंदन में, जहां रानी एमा को बुलाया जाता है। राजा फोकवेड उसको लंदन से निकालते हैं, साथ एमा का भाई भी होता है। वो उसे नॉर्मंडी ले जाने के लिए आया होता है। फोकवेड का मानना है कि कनोट की रानी सिर्फ एल्फिगु ही रहेगी। उसका जो विवाह हुआ है वो रीति रिवाज से नहीं हुआ, इसीलिए ये शादी स्वीकारा नहीं जा सकता। एमा कहती है कि वो कनोट से बात करना चाहती है, लेकिन फोकवेड उसे मना कर देता है। नीरा मंडी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद रानी अपने बच्चों के साथ नाव की मदद से नौरा मंडी चली जाती है। फोकवेड को एल्फिग्यू ने ये सब करने के लिए कहा है ताकि वो सेना लौटा सके, लेकिन वो लौटाती नहीं है, बस ओलाफ की मदद नहीं करती है। ये सुनकर फोकवेड गुस्सा हो जाता है। एल्फिग्यू अपने कमरे में जाती है और गॉडविन को बुलाती है और उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि राजा फोकवेड गुस्सा है। वो नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो। गॉडविन उन्हें एडवाइस देता है कि आप मर्सिया जाओ और मर्सिया के साथ समझौता करने के लिए कहो ताकि राजा खुश हो सके। वो राजा के पास जाती है। वो मर्सिया जाकर समझौता करने की बात करती है। एल्फिग्यू मर्सिया के उच्च घराने की बेटी है। वो लोग उसकी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि अगर वो लोग मर्सिया को अपने साथ एकजुट नहीं किए तो उन पर खतरा हो सकता है, क्योंकि राजा कनूट ने उनके सरदार को मारा होता है। इसीलिए वो जाएगी और एकजुट होने को कहेगी। राजा मान जाते हैं, वो गॉडविन के साथ जाने को कहते हैं। इधर हेराल्ड उसके कबीले में जाता है और कहता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कैटिगट में तीर्थ यात्री भरे हैं, तो आप गलत है, क्योंकि वहां पर योद्धा भरे हुए हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं युद्ध के लिए। हेराल्ड की बातें कोरा को बहुत ज्यादा चुभती है। वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन ओलाफ रोक लेता है। कैटिगट में फ्रेडिस हेराल्ड को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। हेराल्ड को ओलाफ समझाता है कि मुझको कोरा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पागल है, पागल जैसी हरकत करता रहता है। ओलाफ को पता है कि कनूट ने वादा किया है नॉर्वे का राजा बनने को। जब ये बात हेराल्ड को पता चलता है तो वो डर जाता है, कहीं ओलाफ उसे मार ना दे, लेकिन वो नहीं मारता और कहता है कि तुम किसके साथ हो। हेराल्ड कहता है कि मैं अपने भाई के साथ हूँ। ऐसा यू क्यों कर रहा है? पहले वो कैटिगट के साथ था, अब वो ओलाफ के साथ मिल गया है, वो हमें आगे पता चलेगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। उसके बाद हम दूध को देखते हैं जो वालहाला भेजा जा रहा होता है। रानी हॉकॉन्ग उसको अपना मैसेज देती है और कहती है कि तुम जाओ इस न्यूज को ओडन को देना, जो युद्ध में हमारी मदद करेंगे। उसे विधि द्वारा वालहाला भेजा जाता है। इधर कोरा हेराल्ड को अपनी सेना दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसकी सेना बहुत ज्यादा होती है, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल है। हेराल्ड को लगता है कि अब कैटिगट नहीं पड़ सकता। वो लोग कैंप में जाते हैं जहां वो लोग युद्ध की योजना बना रहे होते हैं। कोरा की सेना आगे से हमला करेगी, जबकि ओलाफ समुद्र के रास्ते पीछे से हमला करेगा, लेकिन आज तक समुद्र के रास्ते कैटिगट में कोई नहीं गया, ये तो बात है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो बड़ी पूर्णिमा के दिन पानी का स्तर कम हो जाता है, उसी दिन ओलाफ हमला करेगा। दोनों सेना मिलकर उन्हें बीच में चपेट लेंगे। हेराल्ड कहता है कि हमें शांति समझौता करना चाहिए, नहीं तो इसमें मासूमों की जान जाएगी और ईसा मसीह हमें कभी नहीं माफ करेगी। कोरा मान जाता है, लेकिन वो लोग धर्म परिवर्तन करने को कहते हैं, क्योंकि अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो ये लोग उन पर हमला नहीं करेंगे। हेराल्ड रानी हॉकॉन्ग से मिलता है और धर्म परिवर्तन करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो पेगन होती है। कोरा कहता है कि ठीक है, जब ये युद्ध होगा तो बहुत ही खतरनाक। हेराल्ड लीफ को उनके प्लान के बारे में बताता है कि वो समुद्र के रास्ते से अटैक करेंगे। इधर लंदन में देखते हैं जहां रानी उन लोगों को समझाती है, लेकिन वो नहीं मानते, लेकिन कुछ टाइम बाद मान जाते। रानी ने मर्सिया से समझौता कर लिया है, अब तक सेक्शन ने भी ऐसा नहीं किया होता है। इधर कैटिगट में युद्ध की तैयारी चल रही होती है। आधी सेना बंदरगाह पर तथा आधी सेना सामने होती है। वो लोग पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए जाते हैं। इधर कोरा अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है, आग जलाने को कहता है। वो आग जलाते हैं, इसका मतलब है युद्ध स्टार्ट हो गया है। कोरा की सेना बहुत ज्यादा होती है। वो अपनी सेना को कैटिगट में हमला करने के लिए कहता है। वो लोग जाते हैं। पहले तो कोरा के कुछ आदमी मारे जाते हैं क्योंकि वो दूर होते हैं। इधर कोरा हेराल्ड को बंदी बना लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रेडिस का सर लाऊंगा, और उसका सर लाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र से नाव आ रही होती है। वो लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही सैनिक होते हैं। वो लोग उसको मार देते हैं। लीफ समझ जाता है कि वो लोग आगे से अटैक करेंगे। वो अपनी सेना लेकर चला जाता है। ओलाफ हेराल्ड के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा सहारा लिया, क्योंकि तुम लीफ और फ्रेडिस से धोखा नहीं दे सकते। कोरा की सेना
जब हमला कर लेगी तो उसके बाद वो ओलाफ की सेना जाएगी, जिससे उन लोगों की जीत हासिल हो और उनकी सेना बच भी जाएगी। हेराल्ड फ्रेडिस को बचाने के लिए जाता है। इधर कोरा की सेना कैटिकट में घुसकर सबको मार देती है। रानी को भी तीर लग जाता है। फ्रेडिस उसको कच्छ में लेकर जाती है। इधर कोरा फ्रेडिस को ढूंढ रहा होता है। कोरा की सेना सभी को मारती है। इधर हेराल्ड आकर भी फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी घायल हो जाता है। फ्रेडिस रानी को कच्छ में लेकर जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम लास्ट हो। यह कहकर वो मर जाती है। तभी वहाँ पर कोरा आता है। उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती है। लास्ट में फ्रेडिस कोरा को चाकू मारकर उसका गला काट देती है। इधर ओलाफ आता है और सबको मारता है। वो लीफ को भी मार देता है, जिसे लीफ देखकर गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले लीफ को एक जगह लेकर जाता है। उसके खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो चिल्लाने लगता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इधर हेराल्ड होता है, जो जख्मी होता है। फ्रेडिस आती है, उसे लेकर जाती है। इधर ओलाफ कैटिगट का राजा बन गया है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। वो कैटिगट पूरा तबाह हो गया है। एल्फीग्यू जब लंदन आती है तो वहाँ पर एमा बैठी होती है। जब वो देखती है तो शौक हो जाती है, क्योंकि वो लोग चाल चल रहे थे। राजा फॉकवेट को सेना ढूंढने के लिए टाइम चाहिए था, इसीलिए वो एल्फीग्यू को मर्सिया भेजे ताकि उनको टाइम मिल सके। इसीलिए वो अपनी सेना लेकर कैटिगट गए हैं। जब ये बात ओलाफ की पता चलता है कि कोई सेना आ रही है, फॉकवेट की सेना आ रही है, तो उसके सारे सिपाही भाग जाते हैं। उसकी हालत खराब हो जाती है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। लीफ लीव को लेकर रो रहा होता है। तभी कुछ सैनिक आते हैं, वो उन्हें मारता है और जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ यह सीरीज और लास्ट एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।